जानवर आपको अटैक करे ना, शेर आपको जैसे यहाँ से पकड़ ले, आइडिया रिलैक्स हो जाओ यूं। कौन हो गया शेर अगर सामने आ जाए, कोई खूंखार जानवर सामने आ जाए तो उसकी आंखों में आंखें डालो, ये सही बात है। आंखों में आंखें डालोगे लेकिन पेशाब निकल जाएगा आपका। कोई तो पेशाब तो वो कम चीज बताइए भाई। लोग अच्छा लोग आपको मशवरे ऐसे देंगे ना कि आप मतलब आप कोई किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, बंदे को आइडिया हो या इसको नॉलेज हो ना हो, अपना ऑटो लेके बीच में आ जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं आप उनके सामने दोजक का भी जिक्र कर दो ना तो फौरन बोलेंगे हाँ यार एक दफा मैं भी गया था। भाई क्या बात हो रही, तू कहाँ बीच में। वैसे आपने जो बात की अभी शेर की आंखों में आंखें डाल के बात करो, सोचे शेर बोलने वाला शेर हो वो क्या बोलेगा, क्या देख रहे हैं मेरे को है? मेरे को यार इतना मौका ही नहीं मिलेगा। शेर अगर गालियां देते हैं में भाई मुझे शेर अगर सामने आएगा आप पौंगा भागोगे पौंगा। नहीं शेर आपको देख रहा है, आप शेर को देख रहे हो, उसमें पीछे रोमांटिक कोई सॉन्ग लगा लो कैसा व्यू आएगा। ओए होए अगर शेर का मूड बन गया चुड़ैल आए कपड़े उतार लो और पप्पी दे दी शेर ने, चुड़ैल आए कपड़े उतार लो। ये कौन बोलता है, हमने कपड़े उतार लिए चुड़ैल नहीं निकली फिर। हां रिस्क है ना यार, सही बात है। उसके लाड आ गए पीछे से, पता लगा हो गई चुड़ैल नहीं निकला कोई, वो निकला वो भूत निकला भूत। अच्छा सर मेरे एक सवाल है, कहते हैं कि इंसान के जिस्म में 206 हड्डियां होती है मगर रात के वक्त मर्द की 207 हड्डियां हो जाती है, ये क्या चक्कर है। नहीं आपकी नहीं होती, इसलिए आपकी शादी नहीं हुई। नहीं वो बहुत से लोग ना वो जो जादू टोना करते हैं ना हड्डी साथ में लेके सोते हैं। अच्छा अच्छा और पाए की हड्डी भी खाते हैं तो 207 हो जाती है। अच्छा अच्छा हाँ वो वजह यही है, वजह यही है वो पाए भाई खा रहे हैं हड्डी वो हो गई। अच्छा आपको पता, आप समझते कौन सा जानवर सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। हाँ झूठ बोलता है। हाँ झूठा मक्कार होता है इंसान। वाह जानवरों में बताओ, जानवरों में जानवर इंसान भी तो जानवर है। जानवर का मतलब है जिसके अंदर जान हो और हैवान का मतलब है जिसके अंदर हयात हो, तो हम सब जानवर हैं, हम सब हैवान है। आप वाकई जहीन आदमी है और अच्छे आदमी, प्यारे आदमी, नफीस आदमी हो मेरी नजर में। मुझे ऐसा लगता है मौसिस खातून हजरत, मेरी नजर में आज के दौर में काबिल इंसान वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। अब आप देखो किसी छोटी सी बात भी हम आते हुए डिस्कस कर रहे थे कि एक बंदा अल्लाह की नजर में बुरा है और दुनिया की नजर में अच्छा है, लानत है इस इंसान पर। एक बंदा अल्लाह की नजर में अच्छा है, दुनिया की नजर में बुरा है, कामयाब है वो इंसान। क्या बात। अच्छा मुझे ऐसा लगता है बरकत भाई ये आप शोबिस इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हो। ये बात सबके लिए है, सबके लिए है, लेकिन मैं आपको शोबिस सबके लिए भाई माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं, शोबिस में जो घटिया लोग हैं ना मेरी उनसे मुलाकात हुई। अच्छा फिर आपने उन्हें पॉडकास्ट में रख लिया। मैंने जब शोबिस का स्टार्ट लिया था ना मुझे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट मिले। आप यकीन करें मैं ये बीच में समझ बैठा था कि अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए घटिया इंसान बनना जरूरी है। इंडिया को कंपेयर करते हैं, देखिए बात पता है मुझे ऐसा लगता है जो मेरी ऐसी फीलिंग है कि वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं काम करने वाले लोग यहाँ से तो बड़े यहाँ से भी बड़े। हमारी इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं आटे में नमक के बराबर, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं वो यहाँ से बड़े हैं, यहाँ से बड़े यहाँ से बड़े नहीं है। वाह 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 भाई यहाँ से भी तो बड़ा बनो भाई। मैं कहता हूँ मिश्कात जिसको अवाम ने स्टार बना दिया ना, बस वही मिश्कात भाई है। बहुत से लोग है ना जो बन जाता है ना तो कहते हैं यार मैं इस ऑडियंस का आर्टिस्ट, ये मेरी क्लास है। अबे भाई अवाम की इज्जत का नाजायज काम देके जो है ना खुदा समझने लगते हैं। आप इंडिया की बात करो ना, ये बात आपने छेड़ दिया। हाँ इंडिया में अगर आर्टिस्ट जो है ना इतना सारा काम करता है, इतना सा एटीट्यूड, इतना सी गुरु टाइप का हल्का सा छिड़का होता है जो गलत है, लेकिन कहते हैं जब अल्लाह हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है। हमारे इतना सा काम करते हैं कुछ लोग और इतना सारा एटीट्यूड, इतना सारा गुरूर, इतना सारा तकब्बुर। और देखिए ना बरकत भाई जो ये बात बोल रहे हैं उससे भी खड़े होकर गले मिलते हैं। वाह 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 क्या बात है जावेद शेख। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में हमारे बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग। अगर एक ड्राइवर से जिस तरह जिस टोन में बात कर रहे हैं उसी तरह एक बड़े सीईओ से बात करेंगे तो ये इंसान की क्या बात है। और जो ये शेख साहब सरे फेरिस्त है, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको सेहत दे। और आपको शेख साहब से कोई काम है उसमें भाई? नहीं पॉडकास्ट में। अच्छा बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत सारे लोग इंडस्ट्री ऐसे सारी बोली हम भी आते हैं उसमें, बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे हैं आटे में नमक के बराबर, आटे में नमक के बराबर। और देखिए ना जो ये बात कह रहा है कि यार मैं जरा क्लास के लिए काम करता हूँ तो वो क्या गरीबों को क्या कर रहा है वो? डिग्रेड कर रहा है उनको, डिग्रेड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है? अचानक याद आया, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी ली?
अच्छा ये बात सच है कि दुनिया में सिर्फ एक ही गाड़ी जो सबसे ज्यादा तेज चलती है, कौन सी गाड़ी? हाथ गाड़ी। हाँ वो बैरिंग से चलते हैं, बैरिंग वाली गाड़ी होती है। आप जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है, वो तेज चलती है। जो बोले सारी दुनिया का बोझ हम उठाते, उसमें नहीं जा रहे हैं उसमें। वाह वाह हाथ गाड़ी। अब बोले नाम अब्दुल है मेरा, क्या सबकी खबर रखता हूँ, आगे जान गए हो मैं सब पे नजर रखता हूँ। बाबा पुरानी फिल्में नहीं देखता, नहीं देखता। ये छोटी फिल्म, छोटी फिल्म। कौन सा जानवर जो होता है वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है? मतलब ऑर्गेनाइज्ड होता है जो सबसे ज्यादा रहेगा। मुझे पोटी आई, प्लीज वॉशरूम। बंदर, बंदर सबसे ज्यादा अरेंज करता है सारी चीजें और बनाता है। मेरे हिसाब से बंदर होता है, है? बंदर में काफी चीजें इंसानों वाली है। आपको मैं दिखाऊंगा, वीडियोस दिखाऊंगा इंशाल्लाह, काफी चीजें। मैंने वीडियोस बहुत देखी, मेरे बच्चे बहुत फैन है आपके। अच्छा, और माशाल्लाह जो आप ये जिगरे वाला काम करते हो ना, शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, शेर से लिपट गए, यार ये बहुत जिगरे का काम है। ये काम शादीशुदा आदमी कर सकता है, हाथ डालना, शेर से लिपट गया, क्योंकि वो शेरनिया काबू करना ऐसा। अच्छा ये बताओ यार, वो सवाल वही रह गया, यूट्यूबिंग से पहले, यूट्यूबिंग नया वर्ड्स यूट्यूबिंग यूट्यूबिंग से पहले आपके पास सवारी क्या थी आपकी? मेरे पास 70 बाइक, सीडी 70 बाइक थी, 70 ना। अभी भी कुछ ऐसा नहीं है, कार्बोरेटर स्पार्किट सेलेक्ट हो गया सर, सेलेक्ट हो गया। लेकिन अच्छा ये नहीं है, उस वक्त तेरे पास 70 बाइक थी लेकिन तेरी सोच 70 नहीं थी। मतलब आप इट से सोच 70 है, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, उस वक्त सोच 70 नहीं थी तो आज से बिठते थी। देखो आप यकीन करें, लोगों के पास लैंड क्रूजर है, V8 है, फॉर्चुनर है, लेकिन सोच 70 है। आप 70 ज्यादा बता रहे हैं, उनका 50 हाँ 50 जो पेट्रोल पंप के पास से गुजर जाए चल पड़ती है। हमारे अब्बा के पास ही हम लोग उसमें बैठ के जाते थे यार, उसमें 1.5 लीटर की टंकी होती है और पूरा कराची घुमा दिया। अच्छा उसमें एक चीज बड़ी अजीब थी, पेट्रोल डलवाने के लिए पूरी फैमिली उतरती थी उसकी टंकी, सीट सीट हटाती थी। मैं एक बार 50 में आ रहा था, मैंने खरगोश डाले दो ना, एक मेल फीमेल, थोड़ी देर आगे गया बच्चे पैदा हुए वहाँ पर। अच्छा ये पाकिस्तान के हालात अल्लाह पाक बेहतर करे, कुछ लोग यहाँ पे हैं सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग और स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स गोल्डन वीजा लेके दुबई निकल रहे हैं। आपका गोल्डन वीजा आ गया, ये अपने पास से लगा लिया, मैंने एडिटर को मैंने छोड़ा ही नहीं। अच्छा नहीं जाऊंगा, क्यों? बस पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में मोहब्बत है। क्या बात है, गोल्डन वीजा लेके नहीं आएंगे? नहीं भाई, मुझे जो मजा आता है ना वो अपने आवाम के दरमियान बच्चों के साथ, मैं बहुत जो ना सोशल बन रहा हूँ, मैं बीच में जाता हूँ कभी कभी, ऐसे ही ना पार्क में चला जाता हूँ बच्चों के। नहीं बिना कपड़ों के नहीं, कुछ ना कुछ पहन लेते कपड़े, तो ये पहन पहन के ना थोड़ा बच्चों के साथ घूमता रहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान के अलावा कहीं और दिल लगता नहीं है, सच्ची बात। जहाँ पैदा हुआ है, जहाँ पले बड़े, जहाँ आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार, जैसे भी रिश्तेदार हो, जैसे भी दोस्त हो, लेकिन है तो ना यार, मुल्क जैसा भी है, मेरा मुल्क ईद है या रमजान है, यहाँ त्योहार है ना सारे, ये आपको कहाँ मिलेगा? आप बाजा बजाओगे दुबई में जाके? ऐसे नहीं बजा सकते भाई, बाप बाप बाजा बजाओगे, आपकी बाजी बजाते हैं, पकड़ के मारेंगे शेख। हाँ वही तो ना। अब आप देखें, अच्छा लेकिन पाकिस्तान के अलावा जो हर मुसलमान का होता है, नीचे से पहले कमेंट आए, पहले मैं ही क्लियर कर दूं, एक मुल्क जहां जाके रह सकते हैं वो सऊदी अरब, सऊदी अरबिया, वहां रह सकता हूँ मैं, पाकिस्तान या ये, ये दो है। आप ये देखो पाकिस्तान में, आप ये देखो यार, पाकिस्तान में आज भी ज्यादातर फैसले जो है ना वो कायदे आजम मोहम्मद अली जीना करते हैं। कायदे आजम बहुत डीप बात किया, मोहम्मद अली जीना इस तरह भी कर रहे हैं। वाह वाह वाह। और हम देखें, हम पाकिस्तानी सिर्फ एक ही वार्निंग को सीरियस लेते हैं, कौन सी? बैटरी लो, बैटरी चार्ज पे लगाते हैं भाई, कहीं बातचीत अधूरी ना रह जाए। अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से कभी आपको कोई सपोर्ट वगैरह, क्योंकि आप इतने डेयरिंग हैं और इतना मतलब जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो कोई आया कि फोन वन? गवर्नमेंट की तरफ से आया था मुझे, श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से। हेलो श्रीलंकन? अच्छा पाकिस्तान में रहते हुए श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से क्या आया? किसी पाकिस्तानी ने की होगी? नहीं उन्होंने बुलाया था हमें, अभी उन्होंने रिसेंट बुलाया, वो कह रहे हैं श्रीलंका को प्रमोट करें आप, तो उन्होंने टूरिज्म जंगल है श्रीलंका, काफी ज्यादा है, बहुत खूबसूरत है श्रीलंका। वाह वाह, ये देखिए ना श्रीलंका को, और उन्होंने
यकीनन टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। अब आप देखें ना, अगर हमारा पाकिस्तान का अगर टूरिज्म प्रमोट हो जाए, सर यहाँ जगह देखी आपने, कुमराड कुमराड में गया था। अगर आप कहीं से भी हैं, आप पाकिस्तान का कुमराड सर्च करें, पाकिस्तान में कहीं से भी आप वो सर्च करें, नंगा मांगा, नंगा नहीं, नंगा पर आपके सर में चल क्या रही है, बताओ क्या मतलब आप अभी फिल्म देख कर आए कोई? ये कौन से टूरिज्म प्रमोट होगी? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, झील सैफुल मलूक। और बरकत भाई आप वहाँ गए? वो परियां नाचती हैं सैफुल मलूक में 14वीं की रात को, आपको पता है? स्पेशल नहीं, ये आप समझे नहीं, 14वीं की जो रात होती है वहां पर स्पेशल लोग आके कैंपिंग करते हैं उस झील के, सबसे महंगा कैंपिंग होती है वहां पर, क्योंकि जब चांद बिल्कुल जो है ना झील के ऊपर आ जाता है, झील में ऐसा लगता है परियां नाच रही है। वही यार, और वो, और एक और वो जो है ना हमारी बहुत खूबसूरत है कैलाश, कैलाश वहाँ के लोग खूबसूरत, और वहाँ वादी, एक वादी, वादी है ना बहुत। और यार और बताना कौन कौन सी जगह विजिट की पाकिस्तान की? बलूचिस्तान भी बहुत खूबसूरत है, अगर अगर आप जाएं यार बलूचिस्तान। हम बड़ा इसको अंडरएस्टिमेट करते हैं, लेकिन तिब्बत, क्या नाम है यार हमारा मुल्क, कितना शानदार। पीर गैब, आप ज्यारत, आप जाएं क्वेटा जाएं ज्यारत, ज्यारत। आप थाईलैंड जाने की जिद कर रहे हैं ना? मैं कौन सा कर रहा हूँ, है ना? आप यकीन करें बलूचिस्तान में थाईलैंड जैसी जगह है, बीचेस आप देखें वहाँ, कितना प्यारा मुल्क है मेरा सूरत यार, यहाँ महंगा है, लोगों ने बिना जब बदनाम किया हुआ है, कुछ भी नहीं है, आप जाएं आराम से जाएं, घूम के आए, पूरे पाकिस्तान की हालात सही है, लेकिन हम लोग टूरिज्म को प्रमोट नहीं करते। मसला पता क्या है, हम यूरोप भी जाते हैं, वो भी खैर अल्लाह पाक ने बनाया, वो भी नेचर, वो भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम वहां जाके ना खुल के एंजॉय करते हैं। अब हमारा ब्लॉगर यहाँ जाता है ना पाकिस्तान में, वो एंजॉय नहीं करता खुल के, वो कह रहा होता है भाई पाकिस्तान लोग बोलेंगे यहीं तो घूम रहा है, क्यों इतना पीछे पीछे लोग भी लग जाते हैं ना उसके, खुद ही डिग्रेड करते हैं। तो भाई आप अपने मुल्क में घूम रहे हैं, फखर से घूमे। हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जहाँ हॉस्पिटल, थाना या किसी भी दफ्तर में जाने के लिए आपको सबसे पहले जान पहचान निकालनी पड़ती है। हमारे मुल्क में अगर ये सारी चीजें, मसले हल हो जाए ना, ये सारी सिक्योरिटी का मसला, महंगाई, गुर्बत, कोई पॉलिटिशियन आए जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोगों का कहना है, हमें हमें महंगाई खत्म कर दो, हमारे लिए बिजली का मसला हल कर दो, हमारे लिए सिक्योरिटी का मसला हल कर दो, पेट्रोल की कीमतें कम कर दो, आवाम को क्या चाहिए यार? पाकिस्तान में मोहब्बत और सरकारी नौकरी एक जैसी है, बंदा रोता भी रहता है करता भी रहता है। आहा, आहा, आहा। आहा। बात ये सूरत ऐसी चल रही है, ऐसे ऐसे नाजुक मामला चल रहे हैं। आप देखो एक बंदा बीवी से हंस हंस के बातें कर रहा था, फिर क्या जिसकी थी उसने देख ली, अपनी बीवी।